What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to YFL. पंजाबी रेसिपी बना रहा हूँ आज, अमृतसरी छोले भटूरे। और इस वीडियो के एंड में ये वाला मिक्सर ग्राइंडर आप जीत सकते हो, गिव अवे कर रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब ये जो अमृतसरी छोले हैं, एकदम वो डार्क ब्राउन काले रंग के जो छोले बनते हैं वैसे ही बने, और एक कलर कैसे लाना है वो आपको बताने वाला हो। होममेड छोले मसाला कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ, जिससे ये छोले जो है माइंड ब्लोइंगली डिलिशियस बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। और इस छोले की रेसिपी के लिए स्पेशल वाले छोले यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। छोलों के साथ जो भटूरे आज बनेंगे, ये वाली जो भटूरे की रेसिपी है गेम चेंजर रेसिपी है। सारे टिप्स आपको बताने वाला हूँ, कोई ईस्ट नहीं यूज़ करने वाले हैं। और ये जो भटूरे हैं एकदम गुब्बारे के जैसे, बलून के जैसे फूल जाते हैं, बाहर से एकदम परफेक्ट रंग चढ़ता है, एकदम क्रिस्प हो जाते हैं, और अंदर से एकदम सॉफ्ट और ब्रेडी टेक्सचर आता है। और पहले भी आपको बता चुका हूँ भटूरे कैसे बनाते हैं इस चैनल पर, बट ये जो रेसिपी है बेस्ट रेसिपी है, आज के बाद भटूरे आपके घर पे यही रेसिपी से बनेंगे। तो ओवरऑल परफेक्ट पंजाबी रेसिपी अमृतसरी छोले भटूरे कैसे बनते हैं देख लेते हैं। एक बोल में 2 कप US चिकपीस काबुली चने ऐड कर दीजिए। अब इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करके इन छोलों को आपको बहुत अच्छे से धो लेना है। एक बार आपने छोलों को अच्छे से धो लिया है तो ये जो पानी है इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इसमें यहाँ पर मैं एक इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, सूखा आंवला है, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। 1 टेबलस्पून ये सूखा आंवला ऐड कर दीजिए। अब इसके अंदर ढेर सारा पानी डालिए चनों को भिगोने के लिए, और चनों को भी आपको 6 से 8 घंटों तक अच्छे से सोक करने रख देना है। तो छोले हमने सोक करने रख दिए हैं, 6-8 घंटे लग जाते हैं छोलों को अच्छे से सोक होने में। अगर थोड़ी जल्दी में हो तो गर्म पानी में कर दो, 4-5 घंटे के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से सोक करोगे छोलों को तो ईजिली गलेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो छोलों को अच्छे से आपको सोक कर लेना है। ड्राई आंवला जो हमने यूज़ किया, ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जब भी पिंडी छोले या अमृतसरी छोले बनाते हैं, इन्हें रंग देने के लिए। वो जो डार्क ब्राउन काला रंग होता है उसका एक रीज़न होता है कि इसमें ड्राई आंवला डाला जाता है। दूसरी चीज़ जो हम चाय बाद में डालेंगे उबालते समय, और लोहे की कढ़ाई में कुक करेंगे जिससे वो एकदम डार्क ब्राउन या ब्लैक वाला रंग आएगा हमारे छोलों में। आंवले से और एक चीज़ होती है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए ड्राई आंवला ऐड किया जाता है। अब आज मैंने US चिकपीज यूज़ किए हैं जो बहुत आसानी से गल जाते हैं, आसानी से कुक हो जाते हैं। USA में बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी रेगुलेशंस होते हैं जिससे बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन होती है, और ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ चिकपीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। छोले एक सुपर फूड है और इसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटमिन्स, आयन, फाइबर और कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप इनसे सिर्फ सेवरी डिशेज ही नहीं बल्कि आप डिज़र्ट डिशेस में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी टू कुक होते हैं। मैं अपनी कई सारी रेसिपीज़ जैसे फलाफल, हमस, चाट्स, सैलड्स, चॉकलेट बार्स, ब्राउनी जैसी डिशेस में भी यूज़ करता हूँ, और आज तो हम अमृतसरी छोले बना ही रहे हैं। तो आप भी US चिकपीज यूज़ करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक बार आपके छोले जो हैं आपने सोक कर लिए हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो छोले एकदम साइज में डबल हो गए, एकदम अच्छे से फूल गए, और आंवले की वजह से इन पर अच्छा रंग भी चढ़ गया है, और ये बहुत अच्छे से सोख हो गए हैं। अभी इन्हें बॉईल करने से पहले एक पोटली बनानी है, तो एक मलमल का कपड़ा ले लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती ऐड करनी है, 1 टीस्पून अजवैन, 2 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 तेज पत्ते और 6 से 7 लहसुन की कलियों को क्रश करके ऐड कर दीजिए। अब इस पोटली को, मलमल के कपड़े को अच्छे से आपको गांठ मार लेनी है, एक टाइट पोटली बना लेनी है इस तरीके की। एक बार आपकी पोटली रेडी हो गई है तो एक कुकर में छोलों को ऐड कर दीजिए, साथ में यही पानी और वो आंवला भी जो है सारा कुछ ऐड कर देना है। साथ ही में हमने जो पोटली बनाई थी वो भी ऐड कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा और पानी डालना है, पानी आपने इतना डालना है कि पानी जो है वो छोलों की सरफेस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। साथ ही में इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यहाँ पर ऐड कर दीजिए छोलों को इजीली गलाने के लिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए, हाई फ्लेम पर पहली सीटी आने देनी है और फिर मीडियम फ्लेम पर आपको और 3 से 4 सीटी के लिए छोलों को पकाना है। टोटल 4 से 5 सीटियाँ लग जाएंगी छोलों को और आपके छोले एकदम परफेक्टली कुक हो जाएंगे। एक बार 4 से 5 सीटियाँ लग जाएं, गैस को बंद करके कुकर को डीप्रेशराइज होने दीजिए, उसकी जो स्टीम है उसको निकलने दीजिए नेचुरली। स्टीम एक बार निकल जाए आपको विसल को चेक करना है और उसी के बाद कुकर का ढक्कन खोलना है। तो चेक कर लेते हैं अब छोलों को। तो छोले हमारे पक चुके हैं, छोलों का रंग आप देख सकते हो और अच्छा रंग चढ़ गया है चाय की पत्ती और आंवले की वजह से। चेक भी कर लेते हैं, आप देख सकते हो छोले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। पोटली जो है उसको निकाल लीजिए,
अब इन छोलों को आपको छान लेना है, तो एक छन्नी की मदद से छोलों को छान लीजिए और पानी जो है उसको कलेक्ट कर लीजिए। पानी जो है यही हम यूज़ करने वाले हैं, इसको फेंकना नहीं है, इसमें कई सारा प्रोटीन होता है और सारा फ्लेवर है, पानी यही यूज़ करना है। इसको साइड पे रख दीजिए और छोलों को भी साइड पे रख दीजिए। तो छोलों को हमने पका लिया है, आपने देखा एकदम परफेक्ट रंग आ गया, परफेक्ट तरीके से पक गए हैं। आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा नहीं गला देना है, नहीं तो जब भी इनको आप पकाते हो मसाले के साथ तो एकदम हलवा बन जाता है। तो 4 से 5 सीटी में एकदम परफेक्टली आपके छोले जो हैं गल जाते हैं, बस उतना ही गलाना है। बस इसे छान के रख लो साइड में, पानी को और छोलों को। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, हमें होममेड छोले मसाला बनाना है, जो ये रेसिपी की जान है, जिससे हमारे छोलों में वो ब्यूटीफुल टेस्ट आएगा। छोले मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए, उसके बाद जब पैन गरम हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। अब पैन के अंदर 2 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 5 लौंग, 3 तेज पत्ते, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार एनीस यानी चक्री फूल, 3 मोटी इलायची, 5 से 6 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 4 से 5 तीखी वाली लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून यहाँ पर अनारदाना ऐड कर रहा हूँ। अनारदाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइस है इस चना मसाले का। अब सारे मसालों को आपको मिक्स करते हुए एकदम धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती है और आपके जो मसालों का रंग है वो हल्का हल्का चेंज होना नहीं शुरू हो जाता है। आराम आराम से धीमी आँच पर मसालों को भून लीजिए। आप देख सकते हो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून मेथी के दाने और चुटकी भर नमक ऐड करना है। बस 1 मिनट के लिए और आपको मसालों को भूनना है, ताकि हमारी कसूरी मेथी भी जो है वो हल्की सी भुन जाए। 1 मिनट बाद इन सारे मसालों को एक बोल के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार मसाले आपके ठंडे हो जाएं, तो इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अब सारे मसालों को आपको एक फाइन पाउडर में पीस लेना है। जो अनारदाना हमने ऐड किया है वो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है चना मसाला में, वो खटास इससे आती है, अमचूर से भी आती है और जो काला नमक है उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आपके पास अगर पीली मिर्च हो तो 1 टेबलस्पून पीली मिर्च भी डाल दो, बहुत अच्छा मसाला बनता है। तो मसालों को मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर हो चुका है। चना मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो, 2 से 3 महीने तक अगर फ्रिज में रखोगे तो ये ख़राब नहीं होएगा, बार बार इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब छोलों की फाइनल कुकिंग है, वो प्रोसेस कैसा है वो देख लेते हैं। अब जो उबले हुए छोले हमने साइड पे रखे थे, उसमें 3 टेबलस्पून हमारा होममेड चना मसाला आपने डालना है। मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये ड्राई मसाले को चनों के ऊपर कोट कर लीजिए। इसे जब आप साइड पे रखेंगे तो जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है वो छोलों के अंदर अच्छे से चले जाता है, मसाले छोलों पर अच्छे से लग जाते हैं। एक बार मसाले से आपने कोट कर लिया चनों को, इन्हें साइड पे रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। लोहे की कढ़ाई इसलिए ली है कि जो छोले हैं जब लोहे की कढ़ाई में पकते हैं तो इनका जो रंग है वो और डार्क हो जाता है, वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर आ जाएगा लोहे की कढ़ाई में अगर इन्हें आप पकाओगे तो। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप दूसरे भी कोई कढ़ाई में या बर्तन में इन्हें पका सकते हैं। लोहे की कढ़ाई से वो कलर जो है लेकिन डेफिनेटली डार्क हो जाता है, जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये चने खाने में। तो लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर 4 टेबलस्पून आपने तेल ऐड करना है। तेल आपका एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून अजवैन ऐड करनी है। अजवैन हल्की सी क्रैकल हो जाए, फिर 4 मीडियम साइज़ के प्याज आपको चॉप किए हुए ऐड कर देने हैं। प्याज को अभी आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। तो स्टर करते हुए प्याज को अच्छे से भून लीजिए। एक बार प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएं, तब इसके अंदर 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। साथ ही में 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर देनी है। अब और 2-3 मिनट के लिए आपको अच्छे से भूनना है, ताकि अदरक और लहसुन भून जाए अच्छे से और हमारे जो प्याज हैं उन पर हल्का सा और रंग चढ़ जाए, वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से भून लिया है, अदरक लहसुन भी भून चुका है, प्याज भी और डार्क हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून होममेड चना मसाला ऐड करना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और लो फ्लेम पर मसालों को थोड़ा सा भूनना है आपको 3 से 4 मिनट के लिए। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तब इसमें 4 से 5 टमाटर की आपको प्योरे ऐड करनी है और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है कि टमाटर हमारे फटाफट पक जाएं। टमाटर की जो प्योरे है वो बस टमाटरों को लेकर पीस दिया है, कोई उबाला नहीं है, बस सिंपल टमाटरों को आपको पीस लेना और ऐड कर देना है। स्टर करते हुए टमाटरों को भी आपको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इस मसाले में से तेल सेपरेट नहीं हो जाता है और हमारा जो मसाला है वो हल्का सा ग्रेनी नहीं हो जाता है। तो
तो आप देख सकते हो 6-7 मिनट मैंने अच्छे से टमाटरों को भुना है, तेल अच्छे से छूट चुका है और ये आप टेक्सचर भी देख सकते हो मसाले का, अच्छा ग्रेनी टेक्सचर आ गया, यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं 1 से 1.5 करची जो उबले हुए चने हैं वो ऐड कर रहा हूँ, साथ ही मैं 1 से 1.5 करची जो छोलों का पानी है वो भी ऐड कर रहा हूँ। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप दे रहा हूँ, करची ले लीजिए, करची से इस तरीके से आपको छोलों को मैश करना है। ये मैं इसलिए अभी कर रहा हूँ कि छोले मैश करने से आपका जो मसाला है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, थिक ग्रेवी बन जाती है, और जब भी ये प्रोसेस आप सारे चने ऐड करने का करते हो तो थोड़े ज़्यादा चने कभी कभी मैश हो जाते हैं, तो इसी स्टेज पे आप ये प्रोसेस कर लोगे तो हमारा मसाला परफेक्ट हो जाएगा और बाद में आपके जो खड़े खड़े चने आपको रखने हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो गलेंगे नहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया आपने एक बार, आप देख सकते हो मसाले की ग्रेवी की थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है, एकदम परफेक्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर बाकी के छोले ऐड कर दीजिए। छोले ऐड करने के बाद पानी अभी नहीं ऐड करना है, अच्छे से स्टर कीजिए और 2 से 3 मिनट तक छोलों को आपको अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट बाद जो छोलों का पानी है वो भी ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब आपको छोलों को तब तक पकाना है जब तक ये हल्की सी इसकी जो ग्रेवी है वो रिड्यूस नहीं हो जाती है। अमृतसरी छोलों में ज़्यादा तरी नहीं होती है, लटपटा मसाला होता है, तो वो कंसिस्टेंसी आने तक हम इसे पकाएंगे। और इस प्रोसेस में होगा क्या, लोहे की कढ़ाई की वजह से आप देखेंगे चनों का जो कलर है वो और डार्क होते जाएगा। तो जितना आप ज़्यादा टाइम इन चनों को कढ़ाई में रहने देंगे उतने ज़्यादा डार्क आपके छोले होते जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी कंसिस्टेंसी आप पसंद करते हैं उतना इन छोलों को पका लीजिए। तो लगभग मैंने 6 से 7 मिनट इन छोलों को पकाया है और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो एकदम परफेक्ट हो गई है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ नमक के लिए, नमक थोड़ा सा इसमें ऐड कर रहा हूँ, साथ ही मैं एक लार्ज चुटकी चना मसाले की ऐड कर रहा हूँ फ्रेग्रेंस के लिए, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी, 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के लच्छे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने हैं, स्टर नहीं करना है। एक पैन ले लीजिए, पैन के अंदर 2 टेबलस्पून आपने देसी घी ऐड करना है, घी को अच्छे से आपको गर्म कर लेना है। घी आपका एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तब छोलों के ऊपर इस गर्म गर्म घी का तड़का लगा देना है, एकदम अच्छे से सिजल हो जाना चाहिए। घी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से स्टर कर लीजिए। एक बार आपने स्टर कर लिया है, लास्ट में इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया आपने डालना है और आप देख सकते हो हमारे अमृतसरी छोले रेडी हो गए हैं और क्या ब्यूटीफुल कलर इनका आया है। अमृतसरी छोलों की क्या खुशबू आ रही है किचन में और आपने देखा रंग कितना बेहतरीन आया है। आपको इससे भी डार्क अगर रंग कर देना है, वैसे तो ये परफेक्ट कलर है, तो बस ये कढ़ाई में छोलों को रहने दीजिए और ब्लैक हो जाएंगे थोड़ी देर में, बट मेरे हिसाब से ये वाली जो रंगत है एकदम परफेक्ट रंगत है। इसी तरीके से छोले आप बनाइए, एकदम परफेक्ट बनते हैं। नेक्स्ट अभी हमें भटूरे बनाने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आज एकदम परफेक्ट गेम चेंजिंग रेसिपी बता रहा हूँ भटूरे की। तो एकदम परफेक्ट भटूरों का जो आटा है वो कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल या परात में 2 कप मैदा, 1/4 कप बारीक वाला रवा, 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक और 1/3 कप दही इसमें ऐड करना है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब इसके अंदर मैं 3/4 कप पानी जो है वो धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए आटे को आपको कंबाइन कर लेना है। लगभग 3/4 कप पानी लगता है, कभी कभी 1/8 टेबलस्पून कम लगता है, कभी कभी 1/8 टेबलस्पून ज़्यादा लगता है मौसम के हिसाब से, तो पानी थोड़ा एडजस्ट करना है आपको। बस इतना ध्यान देना है कि जब आप आटे को कंबाइन कर लें तो ये हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए और हमको एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से कंबाइन कर लिया और ये इस स्टेज पर देख सकते हो कैसे चिपचिपा है। यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रहा हूँ। तेल अच्छे से आटे के ऊपर लगा दीजिए। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, आटे को आपको उठाना है और पटकना है। 3 से 4 मिनट तक आपको आटे को ऐसे उठा के पटकते रहना है। ये प्रोसेस में होगा क्या, आपका जो आटा है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी जो चिपचिपाहट है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। ये प्रोसेस करने से आपका जो आटा एकदम परफेक्ट बनेगा और आपके भटूरे जो हैं वो बहुत अच्छे से फूलेंगे और एकदम परफेक्ट भटूरे बनेंगे। तो 3 से 4 मिनट मैंने आटे को पटका है और आप देख सकते हो आटा हमारा एकदम चेंज हो गया, एकदम स्मूथ हो गया है, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं रह गई है। इस स्टेज पर आटे का एक बड़ा सा गोला बना लीजिए, फिर इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दीजिए कि आटे का सरफेस जो है वो ड्राई नहीं हो। फिर एक मॉइस्ट कपड़े से इसको ढक दीजिए और यहाँ पर आपको आटे को मिनिमम 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो भटूरे के लिए आटा हमने लगा दिया है। कुछ टिप्स हैं, एक तो मैंने आपको बोला कि आटा जो है स्टार्टिंग में आपका चिपचिपा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट आटा बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको 3-4 मिनट तक अच्छे से पटकना है आटे को जब तक कि आटा सॉफ्ट नहीं हो जाता है और चिपचिपा नहीं रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
और थर्ड चीज, आपको आटे को रेस्ट बहुत अच्छे से देना है, 2 घंटे के लिए तो आप कम से कम रेस्ट दीजिए। आटा जो अच्छे से ढल जाना चाहिए, एक बार आटा आपका ढलेगा तो ही आप इजीली इसको शेप कर पाओगे और इजीली आप इसको फ्राई कर पाओगे और आपके भटूरे अच्छे से फूलेंगे। रेस्ट नहीं दोगे तो भटूरे अच्छे बनेंगे नहीं, ये आपको नोट करनी है चीज़, रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने 2 घंटे के लिए आटे को रेस्ट दे दिया है, उसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। तो आटा आप देख सकते हो रेस्ट करने के बाद एकदम सॉफ्ट हो चुका है, एकदम मुलायम हो चुका है, इसके भी पेड़े काटने हैं। इस आटे से लगभग 8 से 10 भटूरे बन जाते हैं, तो जितना बड़ा आप भटूरा बनाना चाहते हो उतने कम पेड़े बनाइए। तो भटूरे के पेड़े आपको इस तरीके से बना लेने हैं, इसको हल्का सा अपने हाथों में शेप कर लीजिए और एकदम परफेक्ट राउंडल आपको तैयार कर लेना है। एक ट्रे या प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा तेल लगाइए, तेल लगाने के बाद पेड़े को प्लेस कर दीजिए और ऊपर से भी आपको तेल लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। और एक मॉइस्ट कपड़े से इसको आपको ढक के रखना है जब तक कि आप बाकी के पेड़े बना रहे, और इसी तरीके से सारे पेड़े आप बना लीजिए। एक बार आपने सारे पेड़े इस तरीके से बना लिए, इनको फिर से आपको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। अब ये स्टेज पे भी रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पेड़े काटते हैं तो ग्लूटेन जो है आटे में वो फिर से थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो उसे आपको रेस्ट होने देना है। तो 10-15 मिनट लग जाते हैं। अगर आप ये स्टेज नहीं करेंगे तो आप नोटिस करेंगे जब आप भटूरों को बेल रहे हैं, शेप कर रहे हैं, तो ये वापस से ऐसे श्रिंक होंगे। अगर आप रेस्ट दे देंगे तो श्रिंक नहीं होंगे, आप भटूरों को बहुत इजीली शेप कर पाओगे। 10-15 मिनट पेड़े बनाकर रेस्ट होने दीजिए। जब तक पेड़े रेस्ट हो रहे हैं तब तक भटूरों को फ्राई करने का सेटअप हमको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, आपके पास जो बड़ी कढ़ाई है वो ले लीजिए। अब इसके अंदर आपको तेल ऐड करना है। तेल जो है आपको बहुत सारा नहीं लेना है, आपकी जो कढ़ाई का बॉटम है उतना ही लेयर जो है आपका फुल होना चाहिए, कम तेल लेना है। इससे होता क्या है, तेल आपका जल्दी से गर्म होता है, गर्म ही रहता है, और आपके भटूरे जो हैं अच्छे से फूलते हैं, क्योंकि गर्म तेल चाहिए होता है भटूरे फ्राई करते समय। तो थोड़ा सा तेल लीजिए, उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए जब तक कि ये ऑलमोस्ट अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता है, और हाई फ्लेम पर ही आपको भटूरों को तलना है। तो हमारा तेल भी गर्म हो गया है, पेड़े भी रेस्ट हो गए हैं, भटूरे बना लेते हैं। तो भटूरे का एक पेड़ा ले लीजिए, बाकी के पेड़ों को कवर्ड ही आपको रखना है, कोई सूखा आटा आपको लगाना नहीं है। प्लेटफॉर्म या चकले पर रख के इस तरीके से आपको भटूरों को अच्छे से प्रेस करना है, एक राउंड तरीके में, कि थोड़ा सा ये फ्लैट हो जाए पेड़ा। एक बार ये पेड़ा फ्लैट हो जाए तो एक बेलन की मदद से आपको इसे बेलना शुरू करना है। आपको एक बहुत पतला भटूरा नहीं बेलना है, जैसे पराठा बेलते हैं वो थिकनेस का भटूरा आपका होना चाहिए। अब भटूरे को राउंड या ओब्लोंग शेप में बेल सकते हैं, मैं आज वो लंबे वाले ओब्लोंग शेप के भटूरे बना रहा हूँ। एक बार आपने बेल लिया है बेलन से भटूरे को, उसके बाद अपनी उंगलियों से आपको इस तरीके से दबाना है किनारों पे, क्योंकि किनारे जो हैं थिक रह जाते हैं, भटूरा थोड़ा अनइवन अगर लग रहा है तो बस इस तरीके से अच्छे से अपने उंगलियों से इसे शेप कर लीजिए। एक बार आपका भटूरा इस तरीके से एकदम इवनली शेप हो जाए तो इसको दोनों हाथों से आगे से ऐसे एकदम केयरफुली उठाना है, प्यार से गरम गरम तेल में इस तरीके से भटूरे को अंदर डालना है, और आपका जो सरफेस ऊपर वाले साइड पे था शेप करते समय, वो तेल में डालते समय नीचे वाली तरफ में होना चाहिए। फटाफट से करछी से थोड़ा सा उसको ऐसे नीचे दबाइए, हल्के से बबल्स इस पर आना शुरू हो जाएं, इसको पलटा दीजिए। पलटा कर इसके ऊपर आपको तेल को इस तरीके से केयरफुली छिड़कना है। गरम गरम तेल जब भटूरे के ऊपर पड़ेगा, आप देखेंगे कि हमारा भटूरा जो है किस तरीके से एकदम बलून की तरह फूल गया है। एक बार ये फूल जाए, बस तेल को ऐसे ऊपर केयरफुली छिड़कते रहिए जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन रंग नहीं आ जाता है भटूरे पर। एक बार इस तरीके का रंग मिल गया आपको, भटूरे को तेल से निकाल दीजिए, तो हमारे एकदम परफेक्ट भटूरे रेडी हो गए। आई कांट वेट टू ईट दिस। लेट्स प्लेट अमृतसरी छोले भटूरे वाइफल स्टाइल।
क्या बताऊँ, ये जो अमृतसरी छोले भटूरे आज बने हैं, मज़ा आ गया इन्हें खाने में। और क्या परफेक्ट बने, एकदम स्वादिष्ट, रंग एकदम ज़बरदस्त आया, और जो भटूरे बने एकदम परफेक्ट। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाली रेसिपी घर पर बनाकर। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये जो US चिकपीज़ है, US वाले जो काबुली चने हैं, ये ज़रूर लाकर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। USA DPLC टेक्स प्राइड इन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हाइस्ट क्वालिटी ड्राई पीस, लेंटल्स एंड चिकपीज़ फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, अर्निंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी सील एवरी डे। और इन्हीं के ही एसोसिएशन में आज का गिव अवे है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं। तो गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है, एक विनर होने वाला है और विनर को मैं हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर दे रहा हूँ। तो बहुत सिंपल से 3 स्टेप्स आपको करने हैं। पहला स्टेप ये है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। दूसरा स्टेप, आपको कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना है कि आपकी फेवरेट छोले की रेसिपी कौन सी है, आसान है। और स्टेप 3, आपको इंस्टाग्राम पर जाकर USA Pulses_India ये वाले हैंडल को फॉलो कर देना है। बस ये 3 आसान आप स्टेप्स कर लीजिए 10th February से पहले। तो 10th February midnight 12 बजे इंडियन टाइम तक ये गिव अवे ओपन है, सारी एंट्रीज फटाफट कर दीजिए। और 12th February को मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, और जो कमेंट जीतेगा वो कमेंट को पिन करके उसके नीचे मेंशन कर दूंगा कि विनर कौन है। तो बस आसान से 3 स्टेप्स फटाफट कर लीजिए, फटाफट ये वाली जो रेसिपी है घर पे अमृतसरी छोले की बनाई, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपको ये रेसिपी लगी कैसे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल पंजाबी स्टाइल अमृतसरी छोले भटूरे एट योर होम। चीयर्स।